कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूं, वो गेम खेली गई थी वेस्लो सो और मोर्टेज़ा महजूब के बीच में। और आप वेस्ली सो को तो जानते ही होंगे, जी हाँ, वो चेस में सुपर ग्रैंड मास्टर है, मतलब 2700 के प्लस के प्लेयर है। और ये गेम खेली थी 2007 में उन्होंने, और 2007 में वो सिर्फ 13 साल के थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की E4, ब्लैक ने रिप्लाई दिया D6 पग डिफेंस, वाइट ने खेला D4 नाइट F6, यहाँ पे पोन पे अटैक है नाइट C3, उस पोन को सेव किया G6 और अब आया F4। और ये तीन पोन से जो अटैक किया है इसलिए सो ने, उसको हम ऑस्ट्रियन अटैक बोलते हैं इन पग डिफेंस। यहाँ पे बिशप G7 खेला गया, नाइट F3, और यहाँ पे ब्लैक ने कैसल किया, जबकि अच्छी मूव ये है कि अब बिशप G4 खेलो और उस नाइट को मार दो, क्योंकि ये नाइट आगे चल के बहुत डेंजर हो जाती है। ब्लैक ने कैसल कर लिया, वाइट ने बिशप D3 खेला, ब्लैक ने नाइट A6 खेला, यहाँ पे भी अभी बिशप G4 अच्छी मूव थी, वाइट ने कैसल कर लिया, ब्लैक ने C5, ये टिपिकल पोन ब्रेक है सिसिलियन डिफेंस में। वाइट ने किया कि यार D5 करके स्पेस गेन की, और यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट C7, जो कि एक अच्छी मूव है, और इसकी वजह आप बिशप G4 अभी भी खेल सकते थे। तो नाइट C7 क्यों अच्छी मूव है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने पीस की पोजीशन इंप्रूव कर रहा है। और आपको यही करना चाहिए चेस में, अगर आपको अच्छी चेस खेलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है अगर कोई प्लान नहीं मिल रहा है तो आपका कोई भी पीस है उसकी पोजीशन इंप्रूव करनी चाहिए। वाइट ने खेला क्वीन E1, अब ये जो E1 मूव है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आगे चल के G3 या H4 पे जाके किंग पे अटैक करने में भी यूज़फुल है, और दूसरा कभी भी E5 खेलना है तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होगी। यहाँ पे ब्लैक ने खेल दिया E6, वाइट ने मार दिया पोन, पोन से पोन, और अब आ गया E5, और अब हम स्पेस गेन कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट D5, आप क्या करोगे, इस नाइट को मारोगे या कुछ और खेलोगे, क्योंकि नाइट जो D5 पे हो इस पोन पे भी अटैक कर रही है, जैसे ही इसको मारते हैं बिशप से मारते हैं और रुक से मार देगा, ठीक है ना। पर वेस्ली सो ने यहाँ पे क्या किया, अपने पीस की पोजीशन इंप्रूव की, उन्होंने खेला नाइट टू E4। आइडिया क्या है, ए पोन के सामने ए पोन ले लेने का, और नाइट जो है उसको 6 रिंग पे बिठा देंगे, और 6 रिंग पे जो नाइट होती है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। कई बार कहते हैं कि नाइट ऑन 6 रिंग इज इक्विवेलेंट टू रुक, उसका जो स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार रुक से उसको मार देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक ने खेल दिया नाइट से F4 को मारा, बिशप से F4 को मारा, रुक से F4 को मारा, और अब वाइट की नाइट चली गई D6 पे, काफ़ी अच्छी पोजीशन। यहाँ पे ब्लैक एक और पीस सेंटर में ले आया नाइट D5, और सो ने खेला क्वीन G3, थ्रेट किया है मैं C4 खेलूँगा तो नाइट चली जाएगी तो फिर उस रुक को मार दूंगा। यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन F8 खेला, लेकिन उसकी जगह पे उसको अगर ये पोन चाहिए तो मिल सकता था, लेकिन वो उसके बाद पोजीशन काफ़ी बुरी हो जाती, हम देखते हैं क्यों। जैसे बिशप से मारा, फिर नाइट से मारा, और अब क्वीन से मारोगे तो मैं सीधा ये रुक को मार दूंगा, वो तो अच्छी है, इसलिए क्या करेंगे, वो पहले रुक से रुक को मारेंगे, फिर मैं रुक से रुक को मारूंगा, और अब आप क्वीन से नाइट को मार दोगे। अब देख रहे हो कि ब्लैक तो पोन तो जीत गया, लेकिन अब यहाँ पर आएगा बिशप G6 और ये वाइट जीत जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको मारते हो किंग H8 और ये मेट, तो इसी वजह से ब्लैक ने क्या खेला इस पोजीशन पे क्वीन F8, और यहाँ पे पोन मारने की ट्राई नहीं की। सो दूसरा अपना एक और पीस गेम में ले आए, रुक H2 E1, फिर आया नाइट E7, ये बहुत ही गंदी मूव, इतनी अच्छी मूव नहीं है, क्यों, क्योंकि आप अपना सेंट्रलाइज पीस दूसरी जगह पे ले जा रहे हो दूसरा, और अभी आपका ये पीस भी डेवलप नहीं हुआ, तो इनिशियल स्टेज में आपको पीस डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने नाइट E7 खेला, सोहो ने वो मौका तुरंत ही ग्रैब कर लिया। अब क्या करना चाहिए, सोहो ने किया नाइट G5, नाइट को आगे अटैकिंग पोजीशन पे ले गए, और अभी F7 स्क्वायर पे भी काफ़ी अच्छा अटैक है, और दूसरा यहाँ पे मेन थ्रेट ये है क्वीन से या रुक से इसको मार सकते हैं। तो ब्लैक ने किया रुक से रुक को मारा, रुक से रुक को मारा, और अब नाइट F5 खेल दिया। अगर नाइट F5 की जगह पर आप क्वीन यहाँ पे खेल के क्वीन को बचाने की ट्राई करते हो तो फिर क्वीन H4 आएगा, जैसे H6 आता है आप नाइट F7 खेल के क्वीन और पोन दोनों पे अटैक करके पोन तो विन कर ही लोगे, दूसरा क्या होगा आपका अटैक भी उतना ही चालू रहेगा, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने खेल दिया नाइट F5, और यहाँ से वेस्ली सो जीत गए दो मुँह के बाद, कैसे, तो पहले बिशप से नाइट को मार दिया, अब आप इस पोन से नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ब्लैक ने मारा इस पोन से, और यहाँ पे सोहो ने रुक सेक्रीफाइस कर दिया। अब अगर वो क्वीन से मारते हैं तो सिंपली हम नाइट से मार के जीत जाएंगे,
लेकिन अगर वो पोन से मारते हैं तो मैंने वो बोला था ना, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, वो वाली पोजीशन वापस आएगी, आप इस पोन से क्यों नहीं मार सकते। तो आएगा क्वीन B3 चेक, किंग H8 फोर्स मूव। अब आ गया नाइट F7 चेक, किंग G8 फोर्स मूव। और अब दोनों से अटैक, ये नाइट भी चेक दे रहा है, क्वीन भी चेक दे रही है, तो कोई पीस भी बीच में नहीं आएगा और किंग H8 ओनली मूव। फिर आएगा इस नाइट से चेक, अब देख रहे होगा किंग के पास जाने की कोई जगह ही नहीं है, तो फोर्स क्वीन को सेक्रीफाइस करने पड़ेगा ब्लैक को। जैसे ही किया वापस नाइट से चेक यहाँ पे और नाइट चेक, और अब यहाँ पे जाते हो, अब F8 पे तो क्वीन F7 मेट है, और अगर H8 पे जाते हो तो क्वीन G8 मेट है, और इस मेट को हम स्मूदर मेट बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है स्मूदर मेट में कि जैसे किंग H8 जाता है, ये पीस यहाँ पे आता है, इसको रुक नॉर्मली मार देता है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद नाइट F7 मेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न है वो स्मूदर मेट की है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये गेम, और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।